हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो यहाँ पास मैं आज अपने वार्डरोब की पूरा क्लीन कर रही हूँ, इसको अलमारी को अच्छे से, और सभी कपड़े इधर उधर फैल चुके थे तो उनको अच्छे से मैं सेट करूँगी। और जो कपड़े मैं निकाल के टोकरियों में रखी हूँ गाँव से आने के बाद, उन कपड़ों को मैं लगाऊँगी। और क्या है ना कि सब कपड़े इधर उधर फैल चुके हैं तो उनको पहले ढंग से रखूँगी, और जो कपड़े प्रेस वाले हैं, साड़ियाँ हैं, इनको सबको ठीक करके मैं रखूँगी। जैसे बेडशीट हो गई तो इनको मैं बेड में रखूँगी, और बाकी जो कपड़े हैं तो इनको सब अलमारी में रखूँगी। अभी मैंने क्या, दो दिन पहले जो कुछ कपड़े मैंने धुले हैं, कुछ ठंडी वाले कपड़े थे इनके जो ऐसे ही रखे थे, तो हाफ जैकेट हो गई, तो इनको मैं सबको बॉक्स में रखूँगी। इसलिए आज फाइनली आज लास्ट दिन है मेरी सफाई का, क्योंकि आज 3-4 दिनों से ना डेली यही काम चल रहा है। तो मैंने सोचा आज इसको ख़त्म ही कर देती हूँ, बहुत हो गया थोड़ा थोड़ा करके। आज ये शाम का टाइम था, इवनिंग का, तो मैं इसमें आज लग ही गई हूँ कि इसको पूरी तरह से मैं क्लीन कर दूँगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि डेली का वही काम बना रहता, दूसरे काम हम कर ही नहीं पाते, कुछ और काम करना चाहें तो। इसलिए आज मैं पूरी तरह से जो इनके पैंट हैं, शर्ट हैं, शॉर्ट्स हैं, जो भी इनके कपड़े हैं ना, तो सबको मैं अलग अलग करके रख दूंगी। एक तो क्या होता है ना कि ये लोग अपने से कपड़े निकालते हैं तो बहुत सारे कपड़े इधर से उधर कर देते हैं, कपड़े निकालते हैं और चार कपड़े ख़राब करते हैं ना, उसकी वजह से अलमारी ख़राब हो जाती है। तो चलिए, अब हमारा काम यही है तो हम तो यही करेंगे, और तो कुछ काम भी नहीं है। तो यहाँ पास सब कपड़ों को मैं छांट के रख रही हूँ कि जो कपड़े अभी इनको पहनने हैं, जैसे कुछ कपड़े से जीन्स वूंस हो गए तो गर्मी में नहीं पहने जाते हैं, इनको मैं अलग करके रख दूंगी। या शॉर्ट्स शर्ट रखी हैं तो इनमें बहुत सारी हो गई हैं धुल के, इनको अभी प्रेस करना है, तो देखती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के प्रेस करूँगी। वैसे मुझे ज़्यादा प्रेस करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे प्रेस करने में ना बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए बहुत ही कम मैं प्रेस करती हूँ। कि ज़रूरत पड़े तो 1-2 सेट में कर देती हूँ, फिर एक कभी बैठते हैं ना तो अपने कपड़ों में प्रेस कर लेते हैं। मुझे ज़्यादातर प्रेस नहीं करना पड़ता, ये कि बच्चों के ड्रेस में ज़रूर करना पड़ता है। तो चलिए, अब ये जो टोकरी में कपड़े मैंने निकाल के रखे थे ट्रॉली से, तो इनको भी मैं जमा देती हूँ, और जो कपड़े धुलने वाले हैं तो उनको अलग कर दूँगी, क्योंकि कुछ उसमें कपड़े हैं जो गाँव से आने के बाद ना उसी में रखे रह गए थे धुलने वाले, तो मैंने धुला ही नहीं था। तो आज सब कपड़ों को मैं अलग कर दूँगी, जो धुलने वाले हैं उनको अलग, जो अलमारी में रखने हैं अलग, और जो बॉक्स में रखने हैं ठंडी वाले कपड़े वो अलग, क्योंकि रोज़ रोज़ का काम हो गया है। तो ये जो साड़ियाँ मैं गांव लेके गई थी, गांव में ऑलरेडी साड़ियाँ रहती हैं, पर ये मैं लेके गई थी, इनको मैं अब सोचती हूँ कि पहन डालूँ या ख़त्म करूँ, बहुत दिनों से हो गई हैं यही साड़ियाँ। तो देखती हूँ इनका मैं कुछ करके जैसे कुछ बना दूँगी, कुछ दिन पहनूँगी। अभी नया क्या कि ज़्यादा मैं साड़ी पहनती नहीं, सूट पहनती हूँ, तो मेरी साड़ियाँ ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती हैं, वैसी ही रखी रहती हैं। तो अब नई साड़ियों को तो हम कुछ बना नहीं सकते, जैसे पैरदान हो गए तो कुछ दिन पहन लेंगे तो कम से कम साड़ियों का यूज हो जाएगा। और यहाँ पास मैं कपड़ों को छांट दी हूँ, जैसे इधर रख दी हूँ जीन्स और टी शर्ट हैं, सब गंदी थी तो इनको अलग कर दी हूँ, और ये साड़ियाँ जो हैं तो इनको भेंगल में लगा के टांग दूंगी। ये कि इनका पतली साड़ियाँ हैं ना, जब भी कोई आ गया तो पहनने के काम में आती हैं, वैसे ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ। और जो कुछ ठंडी वाले कपड़े थे हैं तो उनको भी मैंने अलग कर दिया है, तो उनको मैं बॉक्स में जैसे पहले बताया कि मैं रख दूंगी। इसके बाद ये कुछ कपड़े हैं छोटे मोटे, तो इनको सबको मैं लगा देती हूँ। तो इधर के कपड़े लग गए, अब बच्चों के कपड़े देखती हूँ। तो परी के कपड़े मैंने लगा दिए थे पहले ही, मैंग के कपड़े हैं तो इनको मैं अब रख देती हूँ, और उसके जो फुल कपड़े हैं वो मैं रख दूँगी, जो से हाफ पैंट हो गए ना, ये सब मैं निकाली हूँ तो इनको लगा देती हूँ, क्योंकि अब ठंड गर्मी का टाइम है तो छोटे कपड़े जैसे शॉर्ट्स हो गए यही पहनेंगे बच्चे, फुल तो पहनेंगे नहीं। अब धुलने वाले कपड़े मैंने टोकरी में रख दी है पहले, अब देखती हूँ कल या परसों इनको मशीन में लगाऊंगी तो सब कपड़े धुलर जाएंगे। इसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप है मॉर्निंग की, तो यहाँ पास मैं सुबह का टाइम है, तो यहाँ पास मैं क्या कर रही हूँ, इस जो बॉक्स में है, इस बॉक्स में कुछ ठंडी वाले कपड़े रखे हैं, कुछ है जैसे मेरी साड़ियाँ हो गई, बच्चों के कुछ कपड़े हो गए जो फैंसन वनसन में पहनते हैं, तो वो कपड़े रखे हुए हैं। तो ये बहुत इधर से उधर हो रहे थे, मैंने सोचा कि एक बॉक्स में ठंडी वाले कपड़े कर देती हूँ, और दूसरे बॉक्स में मतलब जो अपने साड़ी ओड़ी हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, इनको एक बॉक्स में कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी वाले कपड़े ना दो बॉक्स में रखे हैं, एक छोटा बॉक्स भर के रखा है और कुछ इसमें है,
तो कम से कम एक बॉक्स में डाल दूंगी तो परमानेंट बंद रहेगा, बार बार इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इधर मैंने अब जो कपड़े मुझे निकालने थे इससे मैंने निकाल लिए हैं, और अब दूसरे जो इसमें रखने हैं तो वो रखूंगी। पर इसे मैं मांग रही थी टोकरी तो दूसरी दे रही थी, तो यहाँ पास जो रखने वाले कपड़े हैं उनको अब जल्दी जल्दी से रख देती हूँ ठंडी वाले। और ये बच्चों के छोटे मोटे सभी जो कपड़े, कुछ कपड़े देने लायक हैं, मतलब जैसे मैंग के कपड़े हैं तो छोटे होने लगे हैं तो किसी को देना भी है, तो अभी मुझे छांटने का टाइम भी नहीं था। हम सोचे कि भी रहने देते हैं, फिर फुर्सत से कभी मैं किसी दिन छांट के और फिर अलग कर दूंगी तो फिर किसी को दे दूंगी अभी। और ये छोटा वाला बॉक्स है जिसमें ठंडी के कपड़े फुल भरे हुए हैं, तो इसके मैं इस बॉक्स से पूरे कपड़े खाली कर लूँगी, और जो बड़े वाले बॉक्स में उसमें पूरे कपड़े ठंडी वाले कर दूँगी इकट्ठा। और जो छोटे वाला बॉक्स है इसमें मैं अपनी साड़ी या साड़ी जो है मेरी वो सब मैं इसमें रख दूँगी, एक जगह हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है कि पसंद नहीं आती तो क्या कमी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। तो इसके बाद ये जो रखी है रेड वाली ट्रॉली, तो इसमें मैं परी के कपड़े रख रही हूँ, जो कपड़े उसके लहंगे हो गए, और मैंग के कपड़े जो शेरवानी हैं जो अभी मतलब शादी में यूज होती हैं तो हम पहनते, बच्चे पहनते नहीं हमेशा डेली, तो परी के 4-5 लहंगे हैं। हम बच्चों को क्या है कि उनको कुछ ऐसे दिवाली हो गए, शादी हो गए, कपड़े तो चाहिए, बस एक बार पहनते हैं फिर वैसे ही कपड़े रखे रह जाते हैं। तो जो भी जितने भी कपड़े हैं उनके सारे मैं इसमें रख दूँगी जो फंक्शन वाले कपड़े हैं, और क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, जैसे आप बताइए कि घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और हम हर साल कपड़े नए नए खरीदते रहते हैं और जगह तो बन नहीं रही है, जगह तो उतनी की उतनी ही है, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके हर जगह सब कपड़ों को रखना ही पड़ेगा। तो मयंक और परी के जो नए कपड़े हैं तो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो अब चलिए, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।